हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल केएलडी क्लासेस में स्वागत है। जैसा आपको पता है कि जैसे पॉलिटेक्निक के तो एग्जाम हो चुके हैं, अब आपके आईआरटी के यानी कि आज आपका 28 मई है, 29 मई और 31 मई को कह सकते हैं कि आईआरटी इलाहाबाद के एग्जाम हैं। और आज आपको ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है कि आज आपको दो वीडियो मिलेगा। एक आपको यानी कह सकते हैं कि ये तो मैथ का मिल ही रहा, इसके बाद शाम को भी आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें कम से कम 15 क्वेश्चन रहेंगे। यानी इसमें भी लगभग यानी कि जो आज इसमें भी होगा इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे कितने भी बड़ा सेशन हो जाए। और दूसरा जो आपका शाम को मिलेगा उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपको यानी कि आज आपको 25 क्वेश्चन का एक यानी कि पूरा टोटल सेशन दोनों मिल जाएगा, जिसमें से आपके कम से कम 25 में से कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो करना क्या होगा कि आपको इस वीडियो को एक बार नहीं तो दो बार देख ही लेना होगा, क्योंकि अगर अच्छे से देखेंगे तभी आप यहाँ पे इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो आज का पहला सेशन यानी कि जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ, इसमें मैं आज छोटा छोटा सवाल लूंगा, लेकिन छोटा सवाल वो कौन से होंगे जो कैलकुलेशन आपका फंसता होगा। तो देरी ना करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, यार ये कैसे करें। अगर आप पहली बार इस तरह सवाल लगाए होंगे तो आप हो सके गलती कर सकते हैं, या गलती नहीं करेंगे तो अगर इस सवाल को लगाएंगे कम से कम 3 मिनट तो 4 मिनट ले ही लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में क्या यानी कितना जल्दी करते हैं। तो देखिए, सवाल को आप भी यानी कहीं नोट मतलब पेन और पेपर लेकर बैठा करिए, लगाते रहिए। आपका आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन, देखिएगा 99 यानी कि 999 सही कितना दिया है, 995 बट्टे 999 देखिएगा और गुणे में दिया है 999। ऐसे सवाल को अब लगाए कैसे, आप बताइए आपको क्या लग रहा है यार। ऐसे तो होता है यानी कि 2 सही 1/2 होता है, तो हम तो 2 × 2 = 4, 1 × 5 = 2 कर लेते, ये तो चलो ठीक है भैया छोटा था हमने कर लिया। लेकिन आपको क्या लग रहा है यानी कि 999 × 999 करना आसान है क्या आपको? फिर उसके बाद जो आएगा उसमें हम 995 जोड़ेंगे, उसके बाद तब हल करेंगे। क्या ऐसा कुछ होता, कुछ हम अलग बताएंगे तभी क्वेश्चन का यानी कि हल हो पाएगा। तो करना क्या होगा, आप शुरू करिए, देखा जाए क्या होता है। होता क्या है कि इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, वहां से आपके सारे चीज क्लियर होंगे। देखिए, करना क्या होगा कि अगर आप इस तरह से मान लिए, आप ए बी सी डी भी इसको मान लिए, जैसे अगर मान लिए ए और बी के रूप में चेंज हो जाए, मान लीजिए देखिए, तो हम क्या मानेंगे इसको, मान लिए ए सही यानी कि बी बटा सी और गुणे डी, इस तरह से हम मान लिए। अगर यही सवाल इस फॉर्म में दिया हो, चाहे ए के जगह पे कुछ भी हो, बी के जगह पे कुछ भी, उससे मतलब नहीं है। तो बताइए इसको कैसे लगाएंगे, ए गुणे डी करेंगे यानी ए गुणे डी एक ब्रैकेट में प्लस, यानी कि गुणा करने के बाद हमको क्या करना होगा, डायरेक्ट हमको ऐड करना होगा। क्या होगा यानी कि ए यानी कि ये वाला ए और इसका यानी कि डी, देखिए मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको समझ, ये देखिए ए ये डी हो गया और ये यानी ए गुणे डी हमने किया प्लस, उसके बाद जो बचता है यानी कि बी बी बटे सी और गुणे डी, बस यही कर लिए आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा। अब इसी के आधार पर मैं करता हूँ, देखिएगा इसको मैंने क्या माना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ए बी होगा ए सी होगा ए डी को, तो मैंने क्या किया ए गुणे डी किया, कितना होगा यानी कि 999 गुणे कितना होगा 99 यानी कि 9 होगा ये वाला और ये वाला गुणा, उसके बाद प्लस कर लिए। अब प्लस क्यों भाई, अब तो ये तो नियम ही तो प्लस है, तो प्लस तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए इसका यानी कि बी अपान सी, तो बी अपान सी कौन सा हमारा यही है, तो 995/999 अब गुणे 999। देखिए एक बार अगर आप सवाल समझ लेंगे ऐसे सवाल को, तो आपका सवाल कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है भाई, 999 और यहाँ पे भी 999, तो ये तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बताइए कुछ रहेगा कि नहीं, बस खत्म हो गया। अब हमारा क्या होगा, 999 × 999 करना होगा। तो जैसे हमने इसको समझा उसी तरह से आप उसको समझ लीजिए, हो सके तो आप इसका यानी कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी, अगर आपने मैथ का फेयर बनाया होगा कह सकते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ, देखिएगा अब आते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को लाने का मतलब ये है कि मैं कई चीज बता रहा हूँ, पहला हो गया कि आपको कैसे करना, दूसरा हो गया कि अब ये इतना बड़ा गुणा आप कैसे करें यानी कि गुणा को जल्दी कैसे करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ गुणा करने का, देखिए सवाल ज्यादा लंबा उससे मतलब नहीं है, 999 और गुणे 999 समझे, यानी कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ जो किसी संख्या से यानी किसी संख्या में 9 से 99 से 999 से 9999 से इस तरह से 999 से गुणा कराया जाता है तो क्या नियम होता है। तो यानी कि मान लिया आपका ये 99 इस तरह से है, तो यहाँ पे देखिए जो संख्या होगा, मैं अभी इसके लिए दूसरे भी संख्या पे अप्लाई कर दूंगा, देखिए यहाँ से एक अपने ओर से घटा लिए यानी कि 999 में से एक घटा, ये कितना बचेगा, तो 998 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 998 होगा। इसके बाद देखिए क्या करिए, ये जो 998 है इसको यहाँ पे लिख लीजिए यानी आंसर में तो आएगा, इसके बाद ये जो है इसको घटाइए, इस तरह से घटाइए, देखिए इसको यहाँ से घटा लिए, इनको यहाँ से, इनको यहाँ से, मैं अभी दूसरी संख्या पे भी लूंगा जिससे आपका ये आपको समझ में आए अच्छा क्या हो रहा।
देखिए 9 में से, यानी कहने मतलब ये हो गया, देखिए 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 9 में से 8 जाएगा तो ये, यही आपका पूरा हो गया। बताइए कुछ नहीं करना था, यानी कितना होगा 998001 हो जाएगा, और प्लस आपका कितना होगा 995 हो जाएगा। आप जोड़ लिए कितना होगा, यानी कि 5 एक 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 99। ये इसका आंसर है, कुछ भी नहीं करना था। बताइए कितना समय लगा। ये आप बुरा पे नहीं समझना है तो मैं आपको दूसरे चीज पे समझा, जैसे ऐसे मान लीजिए बुरा करना था 332 आपका लिए अगुड़े 999 ऐसा समझिए। अब आपको इसको गुणा करना, यानी कि 332 गुणे अगर आपको 999 दे दिया जाए गुणा करने के लिए, आप कैसे करेंगे? देखिए करना क्या होगा कि ये देखिए, जब हमने बताया कि चाहे आपको 9 से गुणा करना हो, 99 से गुणा करना हो, 999 से गुणा करना हो, 9999 या जितना भी 9 हो उससे हमको मतलब नहीं है, समझ सकते हैं, 99 होना चाहिए। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें से यानी कि जो 99 के अलावा संख्या, जैसे यहाँ पे तो दोनों था, हम किसी को भी से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे अगर 332 गुणे आपको 999 करना होगा तो 332 में से 1 घटाना होगा, हमेशा 1 ही घटाना, दूसरा मत कुछ घटाए, नहीं तो सवाल दूसरा हो जाएगा। तो इसमें से हम -1 घटाएंगे तो कितना होगा, 332 में से अगर 1 यानी कि लेस करते हैं कितना होगा, 331 होगा, नहीं होगा, तो आप यहाँ पे 331 लिखेंगे, हो गया 331, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो ये 331 जो घटाने बात है, इसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ये आंसर में आएगा, यानी कि 331 तो आएगा ही आएगा, ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए क्या करें, इसको यहाँ से घटा लिए, यानी कि 9 में से 3 घटाइए कितना आएगा, 6, और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6, और 9 में से 1 जाएगा कितना बताइए भाई, 8 ही तो थे, यही इसका यानी कि गुणनफल होता है। कुछ भी नहीं करना, यानी कि इस तरह से आप कितना भी बड़ा संख्या हो उसका कैलकुलेशन यानी कि गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, यानी कि 9989 और कह सकते हैं कितना था 96। देखिए कोई ऑप्शन दिया है, देखिए पहला दिया है 990809, यही गलत हो गया, दूसरा है 998996, यानी कि 99896, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। अगर ये आपको गुड़ा पसंद आया हो यानी कि, तो वीडियो को लाइक करिए, और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि सर पहला क्वेश्चन में जो आप कैलकुलेशन करा रहे थे वहां पे हमको थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऐसे जब सवाल आएंगे तो ए का गुड़ा डी के साथ समझिएगा, और उसके बाद जो बचता है यानी कि यही आप जो हमने लिखा था, यानी ये बार मैं लिख रहा हूँ ए गुड़े डी और प्लस और बी बटे सी और गुड़े डी, यही आपको करना होगा। अगर ये चीज आपको याद रहेगा तो आपका सवाल यानी कि जल्दी होगा और गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, वरना वैसे करिए 999 यहाँ करिए, फिर जो आए जोड़े, फिर बटे करिए, फिर भाग दीजिए, उस समय इतना लंबा हो जाएगा कि आपकी हालत खराब हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी कि आज का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आज इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको समझ में आ रहे हैं अब क्या किया जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन तो और अच्छा है, देखिए पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो x स्क्वायर बटे यानी कि वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर, यानी कि हमको निकालना कैसे थे? देखिए कोई भी क्वेश्चन आज का जो भी होगा वो कहीं ना कहीं किसी भी पेपर में वो आया ही होगा। मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेके आऊंगा कि जैसे वो कहीं किसी एग्जाम में पूछा, जैसे ये देखिए कहाँ पूछा है बताइए, ये आपका MBA में पूछा गया, समझ में आ रहा। और इसके पहले वाला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन अभी ये करा है, ये आपका SSC GL यानी कि PT में कर सकते हैं, कोई हो एग्जाम से क्या मतलब, सवाल हमारा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पेपर नहीं की तो किस में पूछा गया, चलिए सवाल आप उसको लगाइएगा। देखिए यो सवाल है वो आपके सूत्र पे, अगर आपको सूत्र याद रहेगा तभी हो पाएगा, समझिएगा। होता क्या है कि आपको मैं लिख दे रहा हूं, यानी क्वेश्चन को तो लिखना ही पड़ेगा तभी तो कर पाएंगे भाई। देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है यदि दिया है x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर क्या दिया आपका जीरो दिया, तो पूछा किसका वैल्यू है, पूछा ये कह रहा है कि x स्क्वायर बटे यानी कि वाई जेड और प्लस वाई स्क्वायर बटे यानी कि जेड एक्स और प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई, यानी कि इस तरह से। देखिए सवाल में आंसर यानी कि ऑप्शन कैसे कैसे दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे एक्स, दूसरा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा दिया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 3z स्क्वायर बटे 9, और चौथा दिया ऑप्शन नंबर यानी कह सकते हैं कि जो 4 है वो 4 दिया। तो देखिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ पे आपका एक नियम लगता है, यानी कि ये नियम लगता है कि यदि, मैं उसी को दोबारा लिख रहा हूँ, यदि x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर क्या हो जीरो, यानी कि अगर किसी सवाल में समझिएगा, यदि किसी सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दिया है तो आप एक फार्मूला भी पढ़े होंगे। अब फार्मूला क्या पढ़े होंगे ये मैं बता रहा हूँ, तो होता क्या फार्मूला, यानी कि x क्यूब और प्लस यानी कि y क्यूब और प्लस यानी कि z क्यूब बराबर क्या होता है आपका 3 यानी कि x y z होता है।
आपने ये पढ़ा होगा, यानी कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, जीरो, तो वहां पे क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला है आप यानी कि मैथ से पढ़े होंगे, x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर थ्री एक्स वाई जेड, अगर ए बी में भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करिए, यानी कि इसको तीन को यहाँ रोके एक्स वाई प्लस जेड से सभी में भाग दिए, यानी कि इस दोनों पक्षों में कह सकते हैं कि भाग दिए, किससे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग दिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, भाग दूंगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यू बटे एक्स वाई जेड, बताइए प्लस, इसके बाद वाई क्यू और बटे हो जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हमारा जेड क्यू हो जाएगा, बटे किसका हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि यानी कि एक्स वाई जेड से सब में भाग दिया जाए, तो इसमें भी देंगे तो कितना होगा हमारा, तीन ही तो होगा कह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक्स की पावर तीन है, यहाँ पे एक्स एक है, यानी कि तो तीन में से एक कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा बताइए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, वाई यहाँ से वाई क्यू है और यहाँ पे एक वाई है, तो वाई से वाई एक कटेगा, तो कितना होगा वाई स्क्वायर बटे यानी कि एक्स जेड हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी वही होगा, तो जेड स्क्वायर बटे यानी कि कहने का मतलब कि एक्स वाई होगा, और बराबर किसके होगा, तीन। यही तो हमको निकालना था, क्वेश्चन ये था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, जीरो हो, तो किसकी वैल्यू निकालना हो, यही तो वैल्यू भाई, इसके बराबर कितना आ गया हमारा, तीन आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। कह सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिए समझ सकते हैं आपको, अगर पहली बार देखेंगे जो लोग पहली बार देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को, उनका तो दिमाग ही नहीं, अरे यार कैसे करिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर हम लगाते रहते हैं यार क्या। देखिए पेपर में समझेगा जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो होता कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है वो किसी न किसी सूत्र या किसी भी ऐसे तरीके से सेट होता है कि हमको पहचानने में समय लग जाता है, अगर हम पहचान लेते हैं तो सवाल जल्दी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस सवाल का यानी कि तीसरा सवाल लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ये चेक करना चाहता हूँ कि आपको सवाल आता है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी एक अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक अच्छा नियम बताऊंगा जिससे आप कह सकते हैं जो मिस्र वाले होते हैं जैसे दो सही तीन बटे चार ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देरी ना करिए, आप क्वेश्चन को इसको पहले हल करिए और मैं उसके बाद लगवाता हूँ, देखिए क्योंकि भाई मैं क्वेश्चन को पहले इस पे लिखूंगा तो फिर लगवाऊंगा, वैसे आपके पास पेपर होगा तो आप वहां पे लगाते रहिए। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, इसको मैं लिख रहा हूँ, यानी कि ये देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कहीं पे आए, देखिए मैं आज लगभग सारे क्वेश्चन को कहीं से कहीं ना कहीं रिलेट करके, जैसे यदि आप बैंक पीओ, अब ये मत घबरा जाइए यार, हमको तो यानी कि कह सकते हैं आईआरटी इलाहाबाद बैंक पीओ को हम क्या करेंगे, उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन ही तो आपको लगाना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये दिया है कि 27 सही, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, 27 सही 3 बटे 11 और प्लस दिया है 118 और 2 बटे 5 और माइनस के साथ दिया है 32 सही 5 बटे 22, समझिएगा। इसके बाद क्या करिए, ऐसा समझिए जो आपका 11 सही कह सकते हैं 6/11 दिया है उधर प्लस के साथ, अब मैं इधर लगा यानी कि सभी को एक साइड कर लेता हूं, तो मैं इधर इसको कर लूंगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस कह सकते हैं 11 सही 6/11 हो जाएगा, जिससे आपको भी आसानी हो जाएगा, कोई दिक्कत, और बराबर आप इधर करके एक्स इधर कर लिए, ठीक है ना, बताइए मैंने एक साइड को बराबर कर दिया, कैसे सभी को एक्स पक्ष में ला दिया, जिससे आपका आसानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए अगर आप बेसिक मतलब क्या हो गया, यानी जैसे इस तरह से 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/5 ऐसा होता है सवाल तो क्या करते हैं, 8 2 4 5 5/2 करते हैं और 3 5 15 16/5 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं दोनों का लैस लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं, फिर उसके बाद भाग देते हैं, तो आपका मिस। देखिए मिस के जो सवाल होते हैं जैसे इसके सवाल हैं, इसके आंसर उसी फॉर्म में आते हैं, जैसे मान लीजिए जब इसका आंसर आएगा तो सही में आएगा, 2 सही 3/5 ऐसे सवाल आए इसके आंसर आएंगे, तो क्या करें आप यार, एक बार यहाँ पे चेंज किए फिर दोबारा उसी में चेंज करें, कितना लंबा होगा भाई, हम तो हाई स्कूल इंटर के तो पेपर दे रहे हैं, हम कंपटीशन का दे रहे हैं, तो कैसे समय बचे। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे सवालों में आप समय कैसे बचाएंगे, देखिए समझिएगा ऐसे चीजों को, मैं थोड़ा सा दो दो मार्कर यूज करूंगा जिससे आपको आसान समझे, ये जो आगे लिखे होते भैया साहब, ये जो आगे लिखे जैसे यहाँ पे 27 यहाँ पे 118 यहाँ पे 32 यहाँ पे 11, चिन्ह को मत देखिए, चिन्ह को अभी ध्यान नहीं, बस वैल्यू देखिए कि आगे क्या लिखा, उसको आप एक ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट में कैसे करेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे 27 लिखा 27 कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो उसके साथ यानी कि प्लस 118 कर लीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है तो आप माइनस यहाँ पे लगाना होगा 32 और उसके बाद माइनस 11 हो गया कि नहीं, उसके बाद यहाँ प्लस लगा दूसरे ब्रैकेट में आइए, यानी मैंने क्या किया पहले जो आगे लिखा था जैसे में 2 सही वाला जो हमने वैल्यू था उसको एक ब्रैकेट में। अब देखिए अगर आपके यहाँ से जैसे मान लिया 27 सही 3/11 था, हमने अगर 27 निकाल लिया तो कितना बचेगा 3/11 ही तो बचेगा, जो बचा उसको एक ब्रैकेट में, यानी कि 3/11 और प्लस कितना होगा 2/5 माइनस के चिन्ह के साथ लीजिएगा, यानी कि 5/ कितना था ये वाला 22 हो जाएगा। अभी देखिए कितना एकदम सिंपल हो जाएगा, ऐसे सवाल आपकी किताब में बहुत मिलेंगे, करना क्या होगा कि आज ही जाके 4-5 क्वेश्चन लगा के ये समझ लिए कि हाँ अब हमको आ चुका है, समझिएगा ठीक है, या इसी को दो बार देख लीजिएगा। इसका देखिए यहाँ पे होगा 6/ यानी कि 11 होगा, हो गया नहीं बताइए कुछ, अभी देखिए कितने लाइन होगा, इसी क्वेश्चन को आप लगाइएगा, हो सके आएगा लेकिन इतना लंबा होगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे।
इसके बाद देखिए क्या, इसको जोड़ लीजिए भाई, जो जुट रहा है जोड़ जोड़ लीजिए, जो घट रहा है घटा दीजिए। तो देखिए क्या होगा, ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा करिए कि जल्दी हो जाए। यानी कि कहने मतलब ये हो गया, अगर आप यानी कि माइनस 32 में से 27 घटाएं कितना आएगा आपका, माइनस 5 आएगा, यानी कि 118 माइनस 5 होगा, 32 खत्म हो गया। इसके बाद कितना बचा हमारे पास, यानी कि माइनस 11, तो माइनस 11 और माइनस 5 कितना होगा, यानी कि माइनस हमारा 16 होगा, और माइनस 16 हमको 18 में से घटाना है, तो कितना यानी कि 118 में से तो हमारा कितना होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया भाई 16 तो सीधे सीधे 102। यानी इतना पूरा क्या कैलकुलेशन, देखिए थोड़ा सा आप भी देखते रहेगा कि अगर कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप इग्नोर, क्यों, क्योंकि मैं बताने का तरीका वही थोड़ा सा होता ना, आपके मन में आ रहा है यार बोला जा रहा है 10 बोल दिए 8, तो समझिए भाव वही चीज है, मैं उसी पॉइंट को कहना चाहता हूँ, तो कभी कभी हो जाए मिस्टेक। यानी यहाँ से कितना आ गया आपका 102 आ गया, 102 लिख लीजिए, यानी बताइए इतना से पूरा हो गया। इसके बाद क्या करिए, अब देखिए 11 5 22 और 11 इसका लहसा कितना होगा, यानी 11 और कितना दिया है 5 22 11 दिया, तो इसका कितना लगा भाई, 11 और 22 का लहसा कितना होता है 22 ही होता है, और 5 उसमें दिया तो 5 है, उसमें 5 है तो 5 का गुणा कर ले, यानी कि 110 हो जाएगा, इसके लहसा यानी कितना होगा 110 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 से गुणा 110 में करिए, 11 दहिया में 110 होता है तो कितना होगा आपके, देखिए यानी कि 10 दिया कितना होगा 30 हो जाएगा, प्लस के साथ इससे इसमें भाग देंगे तो 22 बार जाएगा, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 44 हो जाएगा, माइनस 22 5 110 होता है तो 5 का गुणा 5 में यानी कि 25, वही आपको करना जो कैप पे आते हैं 11 दहिया में 110 तो 10 तक यानी कि 60 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 30 में 44 जोड़िए कितना होगा 74 यानी कि 74 होगा आपके, और माइनस ये आपका 60 में यानी कि 25 जोड़ेंगे कितना होगा माइनस 85 होगा, और बट्टे आपका 110 होगा। अब बताइए क्या होगा, अगर मतलब कि माइनस 85 में से अगर 74 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 7 आएगा, माइनस कितना आएगा बताइए, यानी कि माइनस आपका आएगा माइनस 11 बटे 110 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करिए, यहाँ से आप क्या आ गए, यहाँ पे आप हल कर सकते हैं 102 और माइनस कितना होगा 11 बटे 110 हो जाएगा, समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एकदम सॉल्यूशन करा दिया, आप यहाँ पे जितना जल्दी लेसे लेंगे उतना जल्दी आपके हो जाएंगे। इस पर देखिए इसको आपको और सिंपल करना होगा, यानी 11 दहिया कितना होगा 110 होगा, कितना होगा 102 माइनस 1 बाय कितना होगा आपके 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसको आप कैसे हल करें, यानी इतना तो आपको करना होगा। देखिए मैं ऊपर का इतना पार्ट मिटा देता हूं, करना क्या होगा कि इसको आप डोंट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सवाल को एक बार में आपको हो सके नस बन जाए, देखिए कितना हमारा आया था यानी कि 102 माइनस 1 बटे 10 आएगा। इसके बाद देखिए क्या है, अब इसको तो इसको भी आप यहाँ पे गुणा करेंगे बहुत लंबा होगा, मैं इसको आसानी से बता रहा हूँ, इसको 102 को तोड़ लीजिए यानी कि 101 प्लस यानी कि 1 और माइनस 1 बटे 10। अब ये कैसे हुआ ये आपको समझना होगा, 102 को आप तोड़ लीजिए कितना 101 प्लस 1 में तोड़ लीजिए, इसके बाद देखिए 101 तो रहेगा यानी कि 101 हो जाएगा, और प्लस देखिए 10 में से यानी कि 10 से कम 10 10 में से 1 जाएगा तो 9 यानी कि 9 बटे कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। देखिए जब कहीं पे भी ऐसा समझिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये मिटाने की जरूरत हो रही है मुझे पता है, कैसे देखिए यानी कि इधर से 2 प्लस 1 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 1 बटे 2 कहीं पे भी किसी भी सवाल में लिखा है तो हम वहां पे प्लस हटा के 2 से 1 बटा 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, समझे, ये नियम है, यही होता है आपको चिपका दो नियम, अगर आपने भिन्न अगर आप आराम से पढ़ेंगे केएलडी क्लास माध्यम तो आपको एक नियम पढ़ाया जाएगा जिसको कहा जाता है चिपका दो रूल, कह सकते हैं ठीक है समझिएगा, तो यही होता है। इसी तरह से अगर हम 2 से 1 बटे 2 लिखे हैं उसको रिवर्स में हम क्या सकते हैं प्लस में कर सकते हैं इस तरह से, तो वही चीज है यहाँ पे 101 प्लस है 9 बटे 10 है, आप गुणा भाग करेंगे ऐसे ऐसे देखे 2 × 4 यानी कि इस तरह से 2 × 4 एक 5 ऐसा मान लिखे 1 तो कितना होगा आपका, वही करेंगे सारा चीज वही आएगा इसमें भी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा 101 सही 9 बटे 10 हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर 101 सही 9 बटे 10। यानी कह सकते हैं देखिए ऑप्शन में जो डी दिया था वहां पे थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है, यानी कि वहां पे होना चाहिए 101 सही 9 बटे 10 हो जाएगा। तो इस तरह समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं यानी कि आज का जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आज मैंने पहले ही बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चन लगवाऊंगा लेकिन सब वही तरह से रहेंगे, यानी कि एक से बढ़कर क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा मैं लिख रहा हूँ। यदि कह रहा है कि ए पे क्यू बटे बी के पी क्यू, यानी कि इधर सब दिया ए क्यू बटे बी क्यू दिया है, इसको फिर ब्रैकेट में कर दिया है, दिया है कि 2x प्लस 4 बराबर कितना दिया आपका यानी कि बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसके बाद इसके ऊपर भी ब्रैकेट है यानी x अपान 2 और प्लस 3, इसमें तो किसका वैल्यू निकालना होगा, इसमें आपको क्या करना होगा x की वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए x की वैल्यू एक बार आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, दिया है माइनस 15 बटे 8 माइनस 18 बटे 7 माइनस 4 बटे 3 और 3 यानी कि लास्ट वाला जो दिया 5 बटे 8। देखिए ऐसे सवाल को आप कैसे करें, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है यहाँ पे भी ए और बी है और यहाँ पे भी और ए और बी के रूप में ही है, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे ए बटे बी दिया, यहाँ पे बी बटा ए दिया, अगर मान ली कोई चीज दिया हो जैसे ए बटे बी दिया हो, समझ रहे हो ना, ठीक है, तो इसको अगर हमको मतलब कि बी बटे ए में करना हो तो बी बटे ए में करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इसको माइनस में हम कर लेंगे इस तरह से, यानी कि जो पावर होगा उसको माइनस में कर लेंगे, उसी को उल्टा कर लिए क्या दिक्कत है इस तरह से। अब आपको देखिए मैं लगवा रहा हूँ आपको समझ में आ, देखिए
करना क्या हो, इसको ऐसे रहने दी, यानी इस वाले पार्ट को ऐसा रहे, यानी कि ए क्यू और बटे बी क्यू को ऐसे रहने दी, यानी कि ये आपका 2x प्लस 4 होगा। करना क्या होगा कि ऐसा करिए कि इसको जो ये वाला बी बटे ए दिया है, यानी कह सकते हैं इसको ए बटे बी में करिए, ए बटे बी में करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरह से होगा, यानी कि जो होगा ए स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर होगा। क्या होगा, इसके जो पावर होंगे यानी कि कह सकते जो घात होंगे उसको माइनस के साथ गुणा कराए कितना होगा, यानी कि माइनस के साथ गुणा कराएंगे तो माइनस थ्री एक्स बाई टू और माइनस थ्री हो जाएगा, बस हो गया, क्या पता। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा जब यानी कि बेस समान होता है तो क्या होता है, यानी कहने मिला कि दोनों और पक्ष ये बेस समान होता है, क्या अगर तुलना कर लिए भाई, तुलना कर ही देंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो तीन होगा वो ऊपर आएगा, एक लाइन और मैं कर देता हूँ, यानी कि ए बटे बी, और ये जो तीन होगा तो तीन इसमें गुणा होगा, यानी कि इस तरह से कर सकते हैं, तो तीन दूना कितना होगा छह एक्स और तीन चौक के बाहर है, और इसका भी दो बाहर आएगा तो दो का गुणा करा ये कितना होगा, यानी कि माइनस सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ ए बटे बी, ये कितना होगा दो का गुणा करें माइनस दो एक्स अपान दो, वो तो कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और माइनस कितना होगा छह। अब देखिए दोनों ए बटा बी, ए बटा बी दोनों आगे तो उसके बाद क्या होगा अपने आप कट जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, जो बचेगा वही लिख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा हमारा सिक्स एक्स प्लस बारह हो जाएगा, और बराबर यहाँ से दो कट जाएगा तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, यानी कि माइनस एक्स माइनस छह हो जाएगा, एक्स वाले एक साइड में कर लीजिए और जो अंक है उसको एक साइड में कर लीजिए, कितने होंगे बताइए, यानी कि छह एक्स और ये प्लस में जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और ये माइनस छह और माइनस बारह कितने होंगे हमारे सात एक्स बराबर यानी कि माइनस अठारह, तो एक्स बराबर हमारा होगा माइनस अठारह बाई सेवन हो जाएगा, यानी कि अठारह माइनस अठारह बटे माइनस अठारह बटे सात को दिया, ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर, देखिए कुछ भी नहीं करना था, बस आपको क्या करना कि जो बी बटे ए था उसको ए बटे बी में कर लिए, या जो आपका ए बटे बी है उसको बी बटे ए में, किसी एक को भर करना, सभी को नहीं करना, देखिए यानी कि चाहे आप ए बटे बी को यानी कि रिवर्स में करिए या बी बटे ए को ही करिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे सवाल देखिए पेपर में कभी आ सकते हैं, देखिए संभावना, देखिए कोई किसी को कुछ पता नहीं होता कि भैया कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक समझिएगा, ठीक है, तो आप यानी कह सकते हैं निश्चित रहिए है। हाँ लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन यानी कह सकते हैं आप तैयार हैं अच्छे से, आपने कह सकते हैं एग्जाम की तैयारी की है, तो कहीं से आए किसी भी चैप्टर से आए भाई, परसेंटेज से मान लो पांच क्वेश्चन है, क्या नहीं लगा पाएंगे, लाभारी से तीन क्वेश्चन है तो नहीं लगाएंगे, सब लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा तभी तो आप नहीं पढ़े रहेंगे, अरे यार आज संख्या पत्र से दो सवाल हम लगा ही नहीं पाए, तो इससे नहीं मतलब, आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़िए और आए तो उसको अच्छे से लगाइए। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी कि अंडर रूट में, देखिए ऐसे सवाल आते हैं, मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, देखिए ये इस तरह से दिया है, देखिए गिन लीजिए कि कितने छह हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात टू छह समझिए, ठीक है, तो दो तो हो गए तीन, आप भी इसको बना लीजिए इस तरह से, ये सब फेर नोट कर लीजिएगा, चार हुए पांच छह सात, इतने है छह, समझिए। अब इसको करना क्या, देखिए अगर छोटा होता सवाल, यही छोटा होता इस तरह से, यानी एक्स बराबर अंडर रूट छह अंडर रूट छह, इसका वैल्यू हमको निकालना होता तो हम क्या करते, एक बार दोनों पक्षों का वर्ग करते, मैं इसको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको यानी कि इतने बड़े सवाल पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, पेपर में करना है आपको, लेकिन आप छोटे सवालों पर कर सकते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करें कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा इसका हटेगा तो छह और अंडर रूट यानी कि छह होगा, एक बार दोबारा इसका वर्ग करिए, वर्ग करेंगे कितना होगा यानी कि एक्स की पावर चार और इसका छह है तो कितना होगा छत्तीस और गुणे आपका छह हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो भाई अंक है तो अंक के साथ निकल जाएगा कितना होगा, देखिए यानी कि ये गुणा के लिए, या ऐसा कर सकते हैं इसको आप ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जो 36 और गुणे छह आएगा जो भी 216 आएगा तो 216 और इस पे देखिए ये जो चार आएगा घात है तो इसको आएगा तो एक बटे चार आ जाएगा कह सकते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर ये आएगा, लेकिन आपको उतने बड़े सवाल करने हैं उतना तो आपको करना है नहीं पाए, लेकिन अब मैं इसके लिए एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, उसी से आप करिएगा, देखिए क्या होता है ट्रिक, देखिए होता है ये आपको ध्यान, एक्स पे पावर होता है, एक्स पे पावर क्या होता है दो, उसके बाद एन होता है माइनस वन और बट्टे इसी पे बात होता है दो पे पावर, अब ये समझ लो ये कैसे यूज करेंगे, यक्ष का मान वो होता है यानी यक्ष वो वैल्यू होता है जो अंडर यानी कि कह सकते हैं ब्रैकेट में दिया होता है यानी कि अंडर रूट में दिया होता है, जैसे यहाँ पे यक्ष की वैल्यू मैं क्या लूंगा, यक्ष की वैल्यू मैं वही लूंगा जो यहाँ पे छह 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 लिखा होगा वही होगा, समझ में आ रहा है, ये देखिए सब कब लगेगा जब सेम रहे, जैसे यहाँ पे छह 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 ही रहना चाहिए, पांच है तो पांच है पांच रहना चाहिए, ये नहीं कि दो है फिर एक बार तीन आ गया पांच आ गया, तो आपको जो मैंने पहले विधि बताया उसी से आपको लगाना होगा, यानी कि एक बार वर्ग फिर दोबारा सही का वर्ग फिर दोबारा वर्ग जब तक सवाल सॉल्व ना हो जाए, इसका देखिए ये दो दो यू क्यों लिया जाए, दो यहाँ पे हमेशा क्यों लिया जाएगा, ये दो हमेशा लिया जाएगा दो यू क्योंकि अंडर रूट में लिखा ना, और अंडर रूट में आपको पता होगा कि यानी कि किसी भी कह सकते जैसे हमारे पांच लिखा समझिएगा ठीक है, या छह ही में क्योंकि छह से आपको जल्दी समझना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहता तो क्या लिखा रहता है यानी कि कह सकते दो तो लिखा रहता है, तो जब ये घात हटता है तो क्या होता है छह पे पावर एक बटे दो आता है, तो यहीं से आपका एक बटे दो यानी कहने मतलब ये दो आपका वहीं से है, यानी क्या है यानी ये कि कितनी बार लिखा है, जैसे आपने गिन लिया एक दो तीन चार पांच छह सात, तो आप यन के जगह पे सात रखेंगे, और ये जो माइनस है यानी कि माइनस किसमें आएगा यानी कि दो पे पावर सात करने के बाद जो आएगा यानी कि दशमलव इस तरह से
दो पे पावर तीन माइनस वन, यानी कि दो पे पावर तीन, दो पे पावर तीन का वैल्यू कितना होगा आठ, आठ में से एक घटाना, ये नहीं दिमाग दो पे पावर तीन, तीन में से एक घटा दी, ऐसा नहीं करना होगा, ये ध्यान से समझिएगा ठीक है। अब मैं इसको लगवा रहा हूँ क्योंकि देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। दादा क्या होगा देखिए, x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू वो होता है यानी कि जो इसके अंदर लिखा है, कितना यानी कितना लिखा है, छह लिखा है, तो आप यहाँ पे छह करेंगे। इसके बाद देखिए इसके पावर दो है, यानी छह के पावर दो है, समझिएगा छह के पावर दो घात है, यानी समझ। इसके बाद n यानी कि दो पे पावर n, n की वैल्यू कितनी है, यानी कि कितनी बार लिखा गया, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो आप दो पे पावर सात करेंगे। उसके बाद माइनस वन, माइनस वन हमने कहां से किया, दो पे पावर सात निकालने के बाद हमको माइनस वन का, ये नहीं कि दो पे पावर सात माइनस वन, ये गलत है समझे, कहीं कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है या किताब में थोड़ा सा छपने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको वहां पे समझना होगा। इसके बाद इसी के बट्टे यानी कि कह सकते हैं कितना है दो पे पावर एन, एन की वैल्यू वही है जो यहाँ पे हमने रखा यानी कि सात होगा। अब इसको हल करिए देखिए, समझिएगा ये पहले हल करिए, यानी कि छह हो गया, दो पे पावर सात की वैल्यू कितना होगा, देखिए दो एकदम यानी कि दो कम दो हो जाता है, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह दुना कितना होता है बत्तीस, बत्तीस दुना चौसठ, चौसठ दुना कितना होता है एक सौ अट्ठाईस, यानी कि दो पे पावर सात की वैल्यू कितना आएगी एक सौ अट्ठाईस, आप निकाल सकते हैं कितना होगा एक सौ अट्ठाईस, समझिएगा। और माइनस वन, अब इसमें से हमको माइनस वन करना, ये समझना होगा, यानी एक सौ अट्ठाईस और माइनस वन और बट्टे और दो पे पावर सात वही चीज है, तो आपका अभी यहाँ पे एक सौ अट्ठाईस ही होगा कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं देखिए ये हो गया आपका यानी कि दो पे पावर एक सौ यानी कि अट्ठाईस होगा। अब इसके बाद हल कर लिए, एक सौ अट्ठाईस में से एक घटाएंगे कितना आएगा, यानी कि छह पे पावर एक सौ सत्ताईस और बट्टे कितना होगा एक सौ अट्ठाईस, ये देखिए ऊपर ही चल रहा समझे, तो कोई दिया है यानी कि छह सही, छह पे पावर यानी कि छह पावर एक सौ सत्ताईस बटे एक सौ अट्ठाईस, ये आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर का नंबर है किसका वो सही होगा, ये आपको नोट समझ में आएगा। देखिए आपको बस यही आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र क्या था हमने एक बार बता दें, एक्स पे पावर दो पे पावर एन, यानी एक्स पे पावर दो है उसके पावर एन है, फिर माइनस वन और उसके बाद बटे दो पे पावर एन, ये जो बटे है ये इसी पे है, यानी कि दो पे पावर एन और माइनस वन बटे है, ये समझिएगा, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरह से ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ये भी देखिए इसमें निकालना है आपको ए और बी की वैल्यू निकालना, तो लगाइएगा क्वेश्चन ये कह रहा है यदि अंडर रूट अट्ठाईस माइनस छह अंडर रूट थ्री बराबर अंडर रूट थ्री प्लस ए, यानी कह सकते जहां ए और बी परिमेय है तो ए माइनस बी, देखिए थोड़ा सा कट रहा हो क्वेश्चन को, देखिए ए माइनस बी हमको निकालना है, उसका वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए दिया ऑप्शन, यानी कह सकते क्वेश्चन में आंसर दिया है माइनस दो दिया है, दो दिया है, चार दिया है और माइनस वन दिया, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपको थोड़ा सा देखिए करना क्या होगा कि आपने यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का भी पढ़ा होगा, तो आपको क्या करना होगा इसको सेट करना होगा। अब सबसे पहले बात ये होता है कि लोग सेट नहीं कर पाएंगे इस सवाल में, लगभग 95% लोग सेट नहीं कर पाएंगे ठीक है, अगर जो कर देगा उसके जाने सवाल आ जाएगा। अब देखिए सवाल को मैं लगवा रहा हूँ, पहले नोट डाउन कर लूँ क्योंकि भाई सवाल तो नोट करना ही पड़ेगा। दिया अंडर रूट 28 माइनस कितना दिया, छह अंडर रूट थ्री दिया, इसके बाद बराबर दिया है तो दिया है अंडर रूट थ्री और ए प्लस यानी कि बी, देखिए कहीं अगर मैं गलती से अंडर रूट इस तरह से लिख दूं तो आप समझिएगा अंडर रूट थ्री बी, इस तरह से अगर मान लिया लिख दिया तो गलत है समझिएगा, लेकिन मैं लिखने की नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हो जाता है ना कि चढ़ चढ़ जाता मार्क, क्योंकि जो देखिए जो ये चीज होती है यानी कि कहने मतलब कि चार जो राशियां होती है चाहे एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स वाई ए बी जो होते हैं ये सब अंडर रूट के अंदर नहीं होते कह सकते ठीक है समझिएगा। चलिए अब आते हैं इसको हल करिए। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो मेन काम हमारा है कि इसको कितना जल्दी हम कितना सिंपल कर लें, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे देखिए ऐसा समझिए, एक फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा यानी कि कह सकते हैं इस तरह से, देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, यही तो आपने पढ़ा होगा कह सकते हैं ठीक है। ये किसके बराबर होता है बताइए, ये आपका होता है यानी कहने मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है, समझिए ये हो गया। तो देखिए इसको भी हमको उसी फॉर्म में चेंज करना होगा, तो हमको क्या होगा यानी कि इसको दो के गुणक में टू ए बी के, तो सबसे पहले आपका जो हिंट मिलेगा यही से मिलेगा आपको, देखिए आगे मत भागे कि 28 से हम कुछ मिले, कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहीं से, तो क्या करें इसको टू ए बी के रूप में छोड़िए, दो तोड़ लीजिए हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा भाई, अगर छह में से छह का हमने क्या किया दो गुड़े तीन कर लिया यानी कि सीधे सीधे, तो दो गुड़े तीन और आपका कितना होगा गुड़े आपका अंडर रूट थ्री हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो आपका देखिए अगर ये आपका ए होगा यानी कि ये आपका दो होगा, इसके बाद टू ए भी हमको करना, तो ये आपका पूरा ए लेना होगा तभी आपका बने पाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों बनना है। इसका बी की वैल्यू क्या ले, बी की वैल्यू आप वन ले लीजिए, क्या दिक्कत है समझे, चाहे आप ए की वैल्यू वन लीजिए चाहे आप बी की वैल्यू भी वन लीजिए कोई दिक्कत नहीं समझे, यानी ए की वैल्यू भी आप यानी कि वन ले सकते हैं या बी की वैल्यू वन ले सकते, एक ही आपको लेना होगा। तो क्या होगा टू ए बी, उसके बाद आप आगे का सेट कर लिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको पूरा हटा रहा हूँ क्योंकि जब आपको जल्दी समझ जाएगा। इसके बाद प्लस समझे यानी कि माइनस कर लिए क्योंकि माइनस है। इसके बाद देखिए हमने ए को कितना माना थ्री अंडर रूट थ्री, इसके बाद इसका यानी कि वर्ग कर लिया, अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे समझा, देखिए इस तरह से मैं पूरा सेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से ये हो गया वर्ग हो गया समझिएगा। इसके बाद कितना होगा यानी कि प्लस के साथ बी की वैल्यू कितना वन, इसका भी वर्ग कर लीजिए और माइनस टू ए बी यानी कि दो
और गुड़े थ्री अंडर रूट थ्री और गुड़े यानी कि आपका वन हो जाएगा। ये कितना आएगा देखिए, अब उतना आता कि नहीं, 28 आता कि नहीं, जैसे तीन का वर्ग करिए कितना होगा, तीन का वर्ग कितना होगा आपका 9 और अंडर रूट तीन के वर्ग कितना होगा तीन होगा, तो 9 3 कितना होगा 27 और 27 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 28 और 2 यानी कि 2 3 6 और अंडर रूट तीन, उतना आ गया कि नहीं, दोबारा उतना आया कि नहीं, उतना आना चाहिए तभी तो आपका सवाल सही होगा। इतना होगा ये किस पे है, ये अब आप इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, इसको कोई काम नहीं है। देखिए इसको आप किस में करना होगा, आपको अंडर रूट में करना होगा, और ये कितना है आपके यानी कि इसको अभी रहने दीजिए, एक बार और इसको हल कर लीजिए, जैसे जितना छोटा कर लेंगे तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एक फार्मूला तो बन गया, फार्मूला क्या होता है हमारे यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी यानी कि थ्री अंडर रूट थ्री और माइनस वन इसका हमारा क्या होगा यानी कि स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट में है ना, तो हमारा कुल इतना ही तो बचेगा, इतना ही बचेगा बस काम करता, और बराबर ये किसके होगा यानी अंडर रूट थ्री ए प्लस बी। अब इसके बाद क्या करिए, देखिए ऐसे सवाल क्या करें, अब तुलना कर लिए, तुलना क्यों करेंगे, देखिए अंडर रूट यहाँ पे भी तीन है और यहाँ पे भी अंडर रूट टू है तो यानी कि थ्री है, उसके बाद उससे तुलना करिए, ए का तुलना उससे करिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप तुलना करें, तो तुलना करेंगे तो क्या होगा थ्री अंडर रूट थ्री और यानी कि बराबर अंडर रूट थ्री और ए, तो यहाँ से देखिए अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कट जाएगा, ए की वैल्यू कितना आएगा, ए की वैल्यू आपका तीन आएगा, बी की वैल्यू कितना आएगा बताइए, बी की वैल्यू कितना निकाल लें, बी की वैल्यू कितना होगा माइनस वन होगा, बस हो गया, ए की वैल्यू तीन बी की वैल्यू माइनस वन, यहाँ तक हो गया, निकालना हमको क्या था सवाल को एक बार देख सकते हैं, निकालना ए माइनस बी निकालना, तो ए माइनस बी निकाल लीजिए यानी ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितना हमारा बताइए तीन है और बी की वैल्यू कितना है तो यानी कि माइनस है तो माइनस पहले से माइनस वन कितना होगा आपका चार होगा, यानी कि आंसर जो आपका चार कितना दिया बताइए, ऑप्शन नंबर जो थ्री है कह सकते हैं या ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो आपका सही होगा। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं था, बस क्या मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, इसको यानी इसको सेट कैसे किया, इसको देखिए ये किसके किसके फॉर्म में हो सकता है, यानी आपका ए प्लस बी का जो सूत्र होता है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में होता है, तो सबसे पहले आपको ये देखिए कि ऐसे कर लीजिए, उसको देखिए कि दोबारा वही चीज आ रहा है कि नहीं, जब अगर दोबारा चीज वही चीज आ जाता है तो समझ लीजिए आपके जो सवाल है वो आपके सही होगी। ये सवाल हमको लग रहा है कि लगभग यानी कि 70% लोगों को समझ में आया होगा और 30% लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देगा, मैं उसको देख लूंगा और दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखिएगा अभी कह सकते हैं सब ये सब पेपर में आए ही हुए तो हैं क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल यानी कि जीएल जो भी कह सकते हैं आपके क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि यदि पी बराबर 999 तो अंडर रूट यानी कि कह सकते हैं कि घनमूल का सवाल है, अंडर रूट यानी कि क्यू के रूप में दिया कह सकते हैं, तो पी और एक ब्रैकेट है पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस थ्री और प्लस वन का मान बताइए। देखिए ऐसे सवाल को कुछ भी नहीं करते, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी आज सवाल मैं लाया हूँ मैथ का उतने सब कहीं ना कहीं टेक्निक पे ही हैं, तो सवाल यानी कि कैसे टाइम भले लगे लेकिन सवाल को अच्छे समझे, क्योंकि कैलकुलेशन पे सवाल अभी आपने पॉलिटेक्निक का पेपर दिया होगा कहते हैं, या जो लोग देखे भी होंगे कहते हैं पेपर के भले नहीं दिए हों उन्होंने देखा भी होगा कि कैलकुलेशन पे ही सवाल आया था कहते हैं, समझ आ रहा ना, इस तरह से समझिएगा और एकदम सिंपल सिंपल बहुत हाई नहीं आता पेपर। अभी देखिए पॉलिटेक्निक का तो हुआ तो कितना सवाल, जो लड़का कह सकते हैं कि 40 से 45 के बीच में नहीं किया होगा उसके जाने मैथ में नहीं हो पाएगा, आपकी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लोग आपकी तुक्का बहुत मारे, तुक्का क्योंकि जब पेपर सिंपल होता है तो लोग तुक्का ज्यादा मारते हैं और जब पेपर कठिन आता है तो उसको छोड़ते हैं, तो नंबर यानी कि कह सकते हैं कि कटाव भी कम जाता है यानी कि सीधे सीधे मेरिट भी आपका कम ही जाता है कह सकते हैं, तो इस तरह समझ सकते हैं कि जितना सिंपल पेपर होगा उतना ही कंपटीशन हार्ड होगा और जितना ही पेपर टफ होगा उतना ही आपके लिए आसान होगा, यानी कि अच्छे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ ये समझिएगा ठीक है, यानी भाई जब ज्यादा लोग कर ही नहीं पाएंगे जो थोड़ा सा होता है ना कि नहीं आता है तो छोड़ देंगे क्वेश्चन को, कम क्वेश्चन करके आएंगे तो आप थोड़ा भी बहुत अधिक कर देंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ये मैं लिख दे रहा हूँ, पी बराबर दिया है 999, इसके बाद दिया कह रहा है इस काम को निकालना, किसकी वैल्यू निकालना है यानी कि ये देखिए ये क्यू में इस तरह से घनमूल इस तरह दिया है पी और दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर और प्लस थ्री पी और प्लस वन और यानी कि ये थ्री है सॉरी ये थ्री है और प्लस वन, इसके वैल्यू हमको निकालना होगा। देखिए ऑप्शन भी एक बार आप देख सकते हैं, 1000 दिया है, 999 दिया है और 998 दिया, 1002 दिया, क्या हो सकता है, देखिए मैं ऐसे सवाल को बहुत आराम से लगाऊंगा, क्या करिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ मिल रहा है, अब भाई अगर आप पी की वैल्यू रख देंगे, चलो यहाँ पी का वैल्यू 999, फिर यहाँ पी की वैल्यू आपका यानी कि 999 पी स्क्वायर करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे सवालों के लिए आप पकड़िए कि कहीं वो सूत्र के रूप में तो नहीं आ रहा, यानी कि वो कहीं कोई ऐसा हम कुछ कर दें कि सूत्र तो नहीं बन जा रहा, जब सूत्र बन जाएगा जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी कहीं दिया तो उसको हम क्या करें एक छोटा फॉर्म में क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कहीं वो अंडर रूट में लिखा है तो क्या होगा सीधे सीधे ए प्लस बी हो जाएगा, बस ऐसे करना होगा। तो क्या करिए सबका गुणा करें, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी लिख दे रहा हूँ, यानी कि देखिए इसका पी का गुणा करें यानी कि पी का पी स्क्वायर में कराएंगे तो क्या होगा आपका यानी कि पी क्यू और प्लस यानी कि पी का गुणा थ्री पी में तो थ्री पी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा देखिए इसके बाद पी का गुणा थ्री में करेंगे तो थ्री पी और प्लस वन होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, ये हो गया आपके। अब यहाँ पे आपको कुछ भी अभी नहीं पता चला लेकिन मैं आपको एक फार्मूला लिख रहा हूँ उससे आपको कुछ पता चलेगा अच्छा क्या लिखा है, देखिएगा यानी इस तरह से मैं लिख रहा हूँ यानी कि कहने वाला भी है
पी प्लस अगर आपको मिल जाए, कह सकते हैं कि यानी कि कहने मतलब इस तरह से, यानी इस तरह से मान कर लीजिए, यानी कि पी प्लस इस तरह से करिए, देखिए देखिए क्या होगा, यानी कि पी प्लस वन के, यानी कि अगर आप पी प्लस वन का होल क्यू मान लीजिए करते हैं तो क्या आएगा उसका आंसर, देखिए क्या होगा, यानी कि कहने मतलब होगा पी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, तो वन का क्यू करेंगे तो वन ही होगा, उसके बाद क्या होगा थ्री ए बी होता, थ्री यानी कि थ्री पी ए प्लस बी, यानी कि पी प्लस क्या होगा आपका वन होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, यानी कि पी देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी, थ्री ए बी का मतलब क्या होगा थ्री, यानी कि थ्री हो गया पी और गुड़े वन, तो वो तो थ्री पी होगा और एक ब्रैकेट में क्या होता है पी प्लस वन होगा, इसका इसको और हल करिए कितना होगा आपके पी क्यू, और इसके बाद देखिए क्या होगा यानी कि वन हो जाएगा और इसको आप गुणा करें थ्री पी स्क्वायर और कितना होगा आपके थ्री पी होगा, अब इसी को क्रम से करें कर लीजिए जैसे यहाँ पे किया गया है, यानी कि पी क्यू और प्लस थ्री पी स्क्वायर और प्लस थ्री पी और प्लस वन आया कि नहीं है बताइए, उतना ही तो आया, यानी ये इसके बराबर हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि पी क्यू प्लस थ्री पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस वन कितना लिख सकते हैं, यानी कि पी प्लस वन का होल क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे होल क्यू है ही कह सकते हैं, तो कितना होगा बताइए, इसको मैं एक बार और लिख रहा हूँ, यानी कि पी प्लस वन का होल क्यू और यहाँ पे ये तीन है ये, तो इसको हटाएंगे कितना आएगा सीधे सीधे बताइए, यानी कि आपका पी प्लस वन आएगा ही आएगा, यानी पी प्लस वन, क्योंकि यहाँ से तीन और एक बटे तीन यहाँ से आएगा, तो तीन से तीन कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास पी प्लस वन, पी की वैल्यू कितना दिया 999, तो आप जोड़ लीजिए 999 में एक अपने ओर से ये वाला जोड़ लीजिए कितना होगा आपका 1000, समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से कैसे रिलेट किया है, आपको कब समझना होगा कैसे लगाना होगा, सवाल में कुछ भी नहीं, तो बस क्या करना था, यानी कि पी क्यू प्लस इसको आपको देखिए करना क्या था, बस आपको सेट करना था, मैंने क्यों उल्टा किया, उल्टा मतलब क्या होगा, मैं क्यों यहाँ से पी प्लस वन का होल क्यू करके समझाया, आपको ये दिखा दूं कि कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, कैसे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ा जाता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप भी अब आपके भी क्वेश्चन आ चुके हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, देखिए ऐसे सवाल भी पेपर में आते रहते हैं, देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अगर आप फेयर बनाते होंगे, मैं इसके लिए एक ही विधि बता दूंगा जिससे आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आज, यानी कि आज के बाद सेशन में कह सकते हैं, देखिए मैं उस क्वेश्चन को उतार ले रहा हूँ, क्वेश्चन ये था अंडर रूट थ्री और अंडर रूट यानी कह सकते हैं कि थ्री कह सकते हैं, ये दिया आपका टू दिया, अंडर रूट टू दिया और थ्री अंडर रूट फोर दिया, इसको हमको क्या निकालना है, छोटी निकालना, देखिए छोटी निकालना या बड़ी निकालना, बीच का निकालना, कहीं से निकालना, आरोही करिए आरोही करे कुछ भी करना हो उससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल को बस एक ही बात समझ लीजिए उससे इसी तरह सारे सवाल हो जाएंगे, देखिए ऐसे सवाल को निकालने के लिए छोटी निकाले बड़ी, अभी आपको दो पांच छह ऐसे दे दिया तो पूछ लिया बड़ा बताओ तो सब तो बता लेंगे, लेकिन ये अंडर रूट में देखिए तो क्या होगा अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, जिसका हम क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे भी आप दो लिख लीजिए, उसके बाद देखिए करना क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा यानी कि ये यानी कि कह सकते हैं इस तरह से आप कह सकते हैं ये लिखा है, जैसे यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे तीन लिखा, यहाँ पे आपके कितने लिखे हैं दो लिखे हैं, यहाँ पे आपके तीन लिखे हैं, समझ में आ रहा है, यानी ये वाला जैसे होता ना कि वर्गमूल है घनमूल है कि का है चाहे जो भी हो कह सकते हैं, यानी ये सबसे पहले देखना कि ये जो अंडर रूट में दो लिखा है यहाँ लाइए, तीन को यहाँ लाइए, दो को यहाँ लाइए और तीन को यहाँ लाइए, इसके बाद इसका क्या करिए, इसका आपको लेसन लीजिए, लेसन मतलब समझ आ रहा है ना, लघुत्तम समापवर्तक है इसका, यानी कि लेसन लीजिए, सभी का लेसन लेना है, यानी कि लेसन कितना होगा बताइए, लेसन तो दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन का लैसा कितना होगा भाई, छह होगा, यानी कि लैसा कितना होगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ लैसा, लैसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा छह, ये जो लैसा आता है उसके बाद आप क्या करिए, आप देखिए ऐसे करिए, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि अंडर रूट जो थ्री है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि तीन पे पावर कितना लिख सकता हूँ, एक बटे दो लिख सकता हूँ, नहीं ये आपको समझना होगा, यानी कि अंडर रूट टू का यानी कि जो अंडर रूट होता है उसको अगर हटाते हैं क्या आता है, एक बटे दो आता है, समझिएगा, उसके बाद क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा तो दो पे पावर एक बटा तीन, यानी कि जो यहाँ पे लिखा रहता है वही उसके पावर में चढ़ जाता है बटे के रूप में, यानी एक बटे के रूप में, इसके बाद यहाँ पे कामा कर लिए, इसके बाद यहाँ पे दो पे पावर कितना होगा एक बटे दो होगा, इसके बाद यहाँ पे चार पे पावर एक बटा तीन होगा, यहां तक तो आपने कर लिया, अब क्या करें, अब जो लैसा आया यानी कि जो हमने संख्याओं का लैसा लिया उसको सभी घातों में गुणा करें, घातों में गुणा का मतलब क्या होगा, यानी यहाँ पे ये जो छह है यहाँ पे छह का गुणा कराइए, यहाँ पे छह का गुणा, देखिए सवाल आपको लग रहा है यार बड़ा लंबा हो रहा, लेकिन अभी आपको एक सवाल समझ में आएगा, इसके बाद आपके किताब में बहुत सवाल दिए होंगे वहां पे आप जाके लगा सकते हैं, आपको सब समझ में आया अच्छा यहाँ कितना जल्दी हो रहा, ठीक है इसका यही विधि है, यही समझ सकते, इसके अलावा कोई विधि नहीं है कि आप इस सवाल को लगा सकते हैं, तो छह छह का गुणा सब में कराए क्योंकि ये लैसा निकाले छह, अब देखिए क्या करिए इसको काट लीजिए, देखिए ये कितना होगा दो पे यानी कि तीन हो जाएगा, तो तीन पे पावर कितना होगा क्योंकि यहाँ तीन होगा तो तीन पे पावर तीन, और यहाँ पे कितना होगा तीन से ये कटेगा तो दो पे पावर कितना होगा दो, और यहाँ पे कितना होगा ये काट लीजिए तो दो पे पावर तीन, और यहाँ पे यानी कि तीन इससे काट लिए तो चार पे पावर दो हो गया, यही हो गया, अब तीन पे पावर तीन की वैल्यू कितना होगा बताइए, तीन पे पावर तीन कहीं पे लिखा, तीन कम तीन 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 का नौ, नौ तीन कितना होगा सत्ताईस, तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ क्योंकि वही सत्ताईस हो जाएगा, उसका दो पे पावर दो की वैल्यू चार, दो पे पावर तीन की वैल्यू आठ, और चार पे पावर दो की वैल्यू सोलह, अब आपको ये बताना होगा कि सत्ताईस और चार आठ और सोलह में सबसे छोटा कौन है बताइए, सत्ताईस
चार आठ और सोलह में सबसे छोटा कौन, तो आपका चार ही तो छोटा है, तो चार आंसर नहीं होगा, यानी कि इसमें चार कहीं नहीं मिलेगा आपको, यानी कि चार कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखना होगा जैसे यहाँ पे पहला नंबर ये दूसरा, यानी यही सीधाई वाला जो होगा उसका वही आंसर होगा। यानी कि देखिए यहाँ पहले पे हमारा 27, 27 के सामने क्या लिखा था, यानी कि अंडर रूट में 3 लिखा था, तो वो गलत होगा। आपका चार वाला चाहिए तो चार वाला कौन था, यानी कि चार वाला आपका था 3√2, ये इसका आंसर होगा। यानी कि सबसे छोटी पूछा था तो छोटा आपका होगा, यानी कि ये वाला कोई दिया है, यानी कि बताइए √3√2 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर ए है सही है। अगर इसी में पूछ ले बड़ा बताइए, तो बड़ा कौन सा बताइए, 27, 4 और 8 और 16 कौन बड़ा, 27, 27 यानी पहला, तो आपका यानी कि ये वाला सही होगा, यानी कि √3, ये इस तरह से कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपको चाहे आरोही कहे चाहे अवरोही कहे कुछ भी कहे, यानी किसी भी फॉर्म में कहे आप लगा सकते हैं। मैंने देखे कुछ भी नहीं किया, यानी ये वाला बाहर लाइए सभी को, यानी कि बाहर लाइए, उसके बाद लहसा लीजिए, जो लहसे है उसके बाद घात में उसके गुणा करेंगे, और उसके बाद जो कट जाता है उसके बाद क्या करें उसका, यानी कि अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल, घन है तो, यानी कि घन है तो घन कराइए, और वर्ग है तो वर्ग करके उसके बाद देख लीजिए कि कौन सा छोटा। आप भाई इसमें तो आप निकाल ही सकते हैं 27 में कौन, 27 और 4 और 8 और 16 में कौन बड़ा है कौन छोटा कौन बीच में है, सारा चीज तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज का जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपके परसेंटेज, यानी कि जो आपका प्रतिशतता जो चैप्टर था उससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। कुछ देखिए कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे क्वेश्चन तो आना ही आना, जैसे परसेंटेज हो गया, लाभानि हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ऐसे जो चैप्टर है इससे सवाल आएंगे। मेंसुरेशन से कुछ सवाल देखिए, मेंसुरेशन से लगाने से समझना ये होगा कि अगर आपको फार्मूला याद है, समझिएगा अब आपको ये ना बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी पॉलिटेक्निक में आया तो था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया, तो बताइए इसका यानी कि परिमाप बताइए, तो आपको वही चीज यानी कि सूत्र आपको याद होना चाहिए, हर चैप्टर की याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके यानी कि नेक्स्ट है ही, तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक, यानी कि कोई संख्या है जो यानी कह सकते तीसरी संख्या, कह सकते तीसरी संख्या क्या माने, ऐसा सवाल है जब तीसरी संख्या यानी कि कैसे समझिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक मतलब कि आपको ये जानना चाहिए, यानी कि जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो, समझिए यानी कि जिसके बारे में ना पता हो उसको क्या आगे, मान ली एक्स, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मान ली आपके यहाँ किसी के यहाँ शादी पड़ी है, समझिए ठीक है, मान ली आपके यहाँ किसी मतलब कि आपके सिस्टर या किसी के शादी पड़ी है, तो आप क्या कहेंगे भैया, जब वो पूछेंगे कि भैया बताइए कि कितने लोग आ सकते हैं, भैया बराती वाले से मतलब कि दूल्हा और पच्चीस पूछेंगे कितने लोग आ सकते हैं भाई बताइए शादी में, तो वो क्या कहेंगे जवाब में कि चलो भैया यानी कि 100 लोग तो आएंगे, यानी कि 100 लोगों का फिक्स है, लेकिन और भाई 100 लोग हैं उस दिन आते वक्त के कुछ लोग बढ़ गए, तो वही चीज यानी कि बढ़ने की संभावना, तो आप भी क्या होगा आपके मान लिया आपके घराती में लोग 100 लोग हैं, तो आप सोचोगे यार 100 लोग का बनाएंगे तो बढ़ जाएंगे, तो क्या कर सोचोगे यार 100 लोग आएंगे तो हम क्या करेंगे 150 लोगों का खाना बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या आपको ये नहीं पता होगा कि 150 आएंगे कि 200 आएंगे या 175 ही लोग आ गए, इसका मतलब होगा कि जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में आप क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, वही चीज होगा। तो इसी तरह से चाहे दो संख्या हो या तीन संख्या चार संख्या, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसके बारे में आप एक्स मानिए। यहाँ पे तीसरी संख्या क्या है आपको कुछ नहीं पता भाई, तीसरी संख्या हमको नहीं पता है, आप तीसरी को क्या मानेंगे एक्स मान लीजिए। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी होगी, तीसरी के मतलब मैं किस में मानूं, जड़ के रूप में मान ले रहा हूँ, जड़ बराबर हमारा क्या होगा एक्स हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पे अब आप यक्ष मान देखिए परसेंटेज मानना हो तो यक्ष मत मानिए, सीधे सीधे 100 के रूप में ही मानिए, ठीक है, तो आप परसेंटेज क्योंकि अब वो तो हम बेसिक से लगा दे रहे हैं, सीधे सीधे बात पे आइए, तो जड़ बराबर हमारा कितना होगा यानी कि 100% क्योंकि परसेंटेज लगा रहे हैं, इसके बाद ये हमारा होगा तीसरा पता चल गया, तो हमारा पहला क्या होगा यानी कि यक्ष और वाई हमारा क्या होगा ये समझना होगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 44% अधिक है, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 32% अधिक है तो 100 इनके पास होगा तो 32 और इनके पास अधिक होगा कितना होगा 132 होगा और इनके पास 144 हो जाएगा, बस इतना करना था हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अगले लाइन में इन्होंने कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक, दूसरी संख्या पहली संख्या देखिए जिससे कहा उसी समझा, दूसरी संख्या ये है पहली संख्या है, तो मैं क्या करूंगा यानी कि 144 माइनस 132 बटे, समझिएगा कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक होगी भाई 144 माइनस 32 यानी कि 132 कह सकते हैं, तो कह रहा है इससे तुलना करें किससे 132 और गुणे आकर 100, तो ये होगा यानी कि कह सकते हैं कि पहली संख्या यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना यानी कि अधिक है, तो यहाँ पे आपका अधिक हो जाएगा परसेंटेज में होगा, तो आप यहाँ पे करिए 144 में से 132 घटाएंगे कितना आएगा आपका यानी कि 12 आएगा, तो आप यहाँ पे 12 कर सकते हैं और बटे 132 और गुणे आप यहाँ पे 100 कर सकते हैं, तो देखिए 12 गुणे यानी कि 12 गुणे 11 कितना होता है 132 होता है, तो आप यहाँ पे काट लेंगे कितना आएगा आपका 11 आएगा, तो कितना होगा बताइए 100 बाई 11। देखिए अब किस फॉर्म में आंसर दिया, देखिए आप इसका आंसर नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं इसको लिख रहा हूँ 11 × 99 कितना होगा 9 सही कितना होगा 1/11%, यानी कि इस तरह से आपका सही हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप वहाँ पे x मानेंगे तो बहुत लंबा होगा, x प्लस आपको 32 करना पड़ेगा, फिर आपको x प्लस 44 करना होगा, घटाएंगे तो लंबा होगा, ऐसा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आ जाएगा उससे भी आएगा, इस तरह से आप करेंगे इस तरह। देखिए
मान ले आपने जेड को एक्स माना, ठीक है, एक्स को यानी कि इसको देखिए, अब इसको मान लीजिए, इसको मैं यानी कि इस तरह से जेड वाले को आपने ये माना, हिंदू पहले को मान लीजिए, ए को आपने कितना मानेंगे, एक्स प्लस 32 मानेंगे, नहीं मानेंगे, और बी वाला जो हमारा कितना था, एक्स प्लस 44 मानेंगे। तो ये क्या करें, इसको घटाइए यानी कि इस तरह से, यानी एक्स प्लस 44 और माइनस यानी कि एक्स और माइनस 32 करिए, अब बटे, फिर उसके बाद एक्स प्लस 32 करिए और गुणे 100 करिए, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका उतना ही आएगा, समझिएगा, ठीक है, उतना आएगा, लेकिन आपको एक्स एक्स बहुत ही चक्कर दिक्कत नहीं है, समझे, आप वहाँ पे एक्स के यहाँ पे परसेंटेज या लाभ आने में आप सीधे 100 मान लें, वहाँ पे अच्छा सो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज का जो लास्ट नंबर हमारा ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, और 10वां नंबर भी बहुत अच्छा है। इस सवाल का आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं पेपर में कि जिसमें निकालना यानी कि उसका कुछ मतलब ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी सवाल में वो वैल्यू रहता है। ऐसे सवाल कह सकते हैं कि फिजिक्स में अधिक होता है, निकालना उनका कोई कहीं यूज नहीं, लेकिन फिर भी दे रखे हैं सवाल ये, तो सवाल इसको पढ़ लीजिएगा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, आज के इस सेशन का कह सकते हैं कि लास्ट सवाल होगा, और शाम को भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा मैथ का, जिसमें मैं थोड़ा सा और अधिक कोशिश करूंगा कि लगभग 15 क्वेश्चन लगवा दूं, लेकिन क्या है ना, देखिए जो आपको क्वेश्चन कम लगा जाए लेकिन अच्छे क्वेश्चन लगवा जाए तो वो अच्छी चीज है। देखिए कह रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका 6% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। देखिए इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कि लंबाई में भी हमने जितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में भी हम उतने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, तो आपको यानी कहने मतलब ये होगा कि आप यही निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितने हुआ, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि किस में, परसेंटेज में, समझ में आ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना भाई, लंबाई में भी हो चौड़ाई में भी हो दोनों में हो रहा है, तो टोटल हम निकालें कितना हुआ, सीधी सीधी बात है, समझ यार, तो क्या होता है यानी कि x प्लस वाई, और यानी कि प्लस होता है x y बटे 100। या आप अगर हमारा कह सकते हैं कि हमारे प्रैक्टिस सेट अगर शुरू से कुछ देखे होंगे, यानी कि कह सकते हैं तो हर प्रैक्टिस सेट में लगभग मतलब दूसरे तीसरे नंबर पे कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट में आ जाता है, जैसे मतलब दो प्रैक्टिस सेट लगाए तो एक को सवाल आपको इस पे मिल जाएगा, फिर मैं तीन चार प्रैक्टिस सेट के बाद फिर इस पे सवाल आ जाते हैं, तो क्या करिए, एक्स वैल्यू यानी कि देखिए लंबाई में भी हमने बढ़ा, यानी एक्स क्या है आपका लंबाई और वाई क्या है आपका चौड़ाई, यानी कि इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं, ये एक्स है ये वाई, तो इसमें भी हम बढ़ा रहे हैं 20%, इसमें भी हम 20% बढ़ा रहे हैं, उसका मतलब कुछ भी रहे ही नहीं गया, कितना होगा यानी कि 20% और प्लस 20, देखिए वृद्धि का मतलब हो गया कि प्लस के साथ लेना, कमी होगा तो माइनस के साथ लेना होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 20 × 20 और बटे आपके 100 हो जाएंगे, तो 20 कितना होगा आपका 40, यानी कि और प्लस देखिए यानी कि देखिए कार्लिस कर देखिए कितना होगा 2×2 4, यानी कहने मतलब कि टोटल 44% की वृद्धि, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल होगा पहले की तुलना, पहले जितना भी रहा होगा अब आपका कितना होगा 44% अधिक हो जाएगा। तो ये थे हमारे कह सकते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो भी रहा होगा, यानी कि 24-25 जो भी कह सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, और जिनका भी पेपर है आपका 29 यानी कि कह सकते हैं मई को है, तो परेशान ना रहे कह सकते हैं, और कल ही हमने स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया था कि कैसे आपको पेपर देना होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना समय होता है, तो कुछ उस पर विवाद था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नया नोटिफिकेशन जो आया था वही आपको बताया गया, कोई अपने तरह से कुछ बताया था नहीं है, क्वेश्चन देखिए कम आए या ज्यादा है उससे मतलब नहीं है भाई, 35-25 क्वेश्चन चाहे मैथ का चाहे 37 क्वेश्चन आए, यही तो आप इस झगड़ा है, सीधे सीधे बात है, तो कुछ ज्यादा आए तो अच्छी बात है, आपको मैथ अगर अच्छी तरह से आता है तो मैथ आपके लिए फायदा होगा, जिसको मैथ नहीं आता है मतलब अच्छी तरह से उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी तरह से निकल जाएगा, अगर किसी का एक तरह से एक चीज मजबूत होता है तो दूसरा आपको थोड़ा सा कमजोर हो ही जाता है, कहते तो करना होगा कि आपको शाम को भी एक वीडियो मैथ का मिलेगा, उसमें लगभग 15 क्वेश्चन मैंने इसमें 10 क्वेश्चन कवर किया है, और 10 एक से बढ़ के एक क्वेश्चन थे, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि सर पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा हमको नहीं समझ में आया, तीसरा आया लेकिन थोड़ा नहीं आया, तो कह सकते इस तरह से जो भी आपको प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, तो शाम को देखना मत भूलिएगा, और इसी तरह से इस वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, तो इसी तरह से आप केएलडी क्लासेस बने रहे, केएलडी क्लासेस बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को केएलडी क्लासेस